वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राकवत आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे रोज पूछा जा रहा है मुझसे, काफ़ी बंदों ने पूछा है, क्योंकि क्या है कि अब वजन जो है मैक्स के अब ग्रेड हो गए हैं, नए वर्जन्स आ रहे हैं। जब आप नए वर्जन्स यूज़ करते हैं तो कई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, जैसा कि ये स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है एक्स रे मोड, जिसे हम सी थ्रू भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट के आर पार जो हमें विजिबिलिटी दिखाई देती है, सी थ्रू एक्स रे मोड, इसकी भी बड़ी परेशानी होती है। स्टार्टिंग में बेसिकली हमें पर्स्पेक्टिव में मिलता था, फिर शेडिंग में कहीं ना कहीं हमें मिल जाता था, पर अब बड़ी परेशानी हो गई है। ये ऑल्ट एक्स इसकी शॉर्ट की हुआ करती थी, ठीक है, जैसे ये हो रहा है ऑल्ट एक्स प्रेस करने से, तो ये चीज़ अब न्यू वर्जन्स में नहीं होती, बड़ी परेशानी होती है। जैसे अगर मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं अभी और अब मैं ऑल्ट एक्स प्रेस कर रहा हूं तो ये बिहेव नहीं कर रहा सी थ्रू, और ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर में टूल्स जो होते हैं वो रिमूव नहीं होते, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं, अमेंड्स हो जाते हैं। जो हमें चीज़ देखने की है, ध्यान रखने की है, वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टूल है, विजिबिलिटी से रिलेटेड टूल है जो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जैसे हम ऑब्जेक्ट को F3 करते हैं तो वाई फ्रेम आ जाता है, F4 करते हैं वापस से शेडेड F3 वापस से शेडेड आ जाता है, F4 से वाई फ्रेम्स आ जाते हैं, मतलब एजेस हमें दिखाई देने लग जाती हैं और वापस से गायब हो जाती है। वैसे ये एक तरीके से शेडिंग का, ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडिंग का एक टूल है। और ये हमें टूल मिलता कहाँ है, अगर हम देखें, हम राइट क्लिक करें, हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है राइट क्लिक किया और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी देखी, तो आपने नोटिस किया होगा आज से पहले जब हम मैक्स के लोअर वर्जन में ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज देखते थे हमें ये इजीली चेंज करने के ऑप्शंस मिलते थे, अभी ये नहीं मिलते। ये बाय लेयर, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारे जो नोड क्रिएट हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, बाय लेयर। अगर मैं इसे बाय ऑब्जेक्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे को ये सारे ऑब्जेक्ट्स या सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने रेंडरेबल ऑफ कर दिया तो अभी रेंडर में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वही मैं अगर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में यहीं पर देखूँ तो यहाँ मेरे को दिखाई देता है सी थ्रू, और ये भी अभी अवेलेबल नहीं है। और इसे मैं बाय लेयर की जगह बाय ऑब्जेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरे को सी थ्रू ऑप्शंस मिल जाता है। और अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को ऑल्ट एक्स प्रेस करूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये सी थ्रू करने की फैसिलिटी दे देता है, इस टूल को यूज़ करने की परमिशन दे देता है ऑल्ट एक्स, ठीक है। लेकिन द सेम प्रॉब्लम, अगर मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फिर से तो वो वर्क नहीं कर रहा, तो क्या हमें हर बार राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इसे बाय ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। हम ये बार बार नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हमें इसकी कहीं कोई सेटिंग होगी जो सेट करना होगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट, बाय लेयर ना होकर बाय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, बाय डिफॉल्ट ये किस में क्रिएट हो रहा है, बाय लेयर, इसकी जगह ये बाय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, बस ये सेटिंग हमें ढूंढनी है। तो ये सेटिंग ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है कस्टमाइज में, प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में आप जनरल देखेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि हम समझ रहे हैं बाय लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हमारा हर न्यू नोड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बाय ऑब्जेक्ट फॉर न्यू नोड्स, जितने भी न्यू ऑब्जेक्ट्स हैं, न्यू नोड्स हैं, न्यू वर्किंग है, वो बाय लेयर क्रिएट हो रही है बाय डिफॉल्ट, तो इसे हम ऑफ कर देंगे, ओके। प्लेन बॉक्स सॉरी स्पियर वॉट एवर जो आप बनाना चाहो, टीपॉट, ओके। ऑल्ट एक्स ऑब्वियसली सी थ्रू हो रहा है इजीली, वही शॉर्ट की है। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी देखे तो यहां बनने वाला हर ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट बना है बाय लेयर के बजाय, ओके। तो बड़ी सिंपल चीज थी, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट था चीज को ढूंढने का, समझने का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम पिछले एक महीने में कम से कम 10 बंदों ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ ली है। मेरे हिसाब से जब 10 ने पूछी है तो कम से कम
कम से कम 100 बंदों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो से. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय. और मेरे कुछ एक पेड ट्यूटोरियल्स हैं, मैं इस सिखाने का और समझाने का तरीका मेरी वीडियोस देख के आपको पता चल ही जाता होगा. तो पेड क्लासेस हैं, आप ले सकते हैं. कहाँ से? मेरी वेबसाइट से. आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं. हर तरीके का पेमेंट मोड है. और ये है वेबसाइट www.careerhacks.in. ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.